10 beds पर एक डॉक्टर का दिया है, 10 beds पर एक डॉक्टर ने दिया है। आईसीयू जो होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट जो होगा, उसमें पर नर्स पर 1 bed किया है। और टोटल स्टाफ स्ट्रेंथ 110 नर्सेज हमने की है। फैकल्टी प्रोफेसर 20 डॉक्टर्स किए हैं, सीनियर रेजिडेंट 34 नंबर्स किए हैं और पैरामेडिकल स्टाफ 75 नंबर्स किया है। इसलिए कैजुअलिटी में किया है। और डॉक्टर का रेशियो कि 8 घंटे से ज्यादा उसको द्वारा ना लाया जाए, 8 घंटे का उसको रेस्ट दिया जाए, ये नहीं है कि कोई रेजिडेंट डॉक्टर है वो 24 घंटे उसको 2 दिन की छुट्टी दे के काम करवाया जाए। इस दृष्टिकोण से भी थोड़ा थोड़ा रिफॉर्म हम करने जा रहे हैं। और जितने मेडिकल कॉलेज हैं, जितने भी मेडिकल कॉलेज में, उसमें रोबोटिक सर्जरी का प्रावधान आने वाले एकेडमिक सेशन में कर दिया जाएगा, चाहे वह आईजीएमसी है, कांटा है, नेरचौक है, मंडी है। और उसके लिए हमने बजट का भी एलोकेशन कर दिया है ताकि आने वाले समय में आप एक बिल्कुल करेक्ट वे में आगे बढ़ सकें, दिशा में आगे बढ़ सके। किस प्रकार के टेक्नोलॉजी और मेडिकल कॉलेज में आए, हमने फैसला किया कि सिटी स्कैन भी चाहे जितने कीमत हो, 3 उनको 256 में कन्वर्ट कर दिया जाए, सारे ही स्टेट में कर दिया जाए। आई एंड अल्ट्रासाउंड का पूछ रहे हैं कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में कौन सा है, जो भी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि अभी मेडिकल साइंस भी वक्त के साथ चेंज होती जा रही है। और 5G के आने के बाद, 5G जैसी ही टेक्नोलॉजी आएगी, आपके सारे इंस्ट्रूमेंट की चेंजिंग बड़ी जल्दी हो जाएगी। तो 5G टेक्नोलॉजी का समावेश कैसे हो, उस संदर्भ में भी हम जियो कंपनी से बात करके मेडिकल टेक्नोलॉजी में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर को कितना आगे बढ़ना है उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको पता लगे, आपको भी जानकारी होगी और आप समझ भी पाएंगे। तो इस दृष्टिकोण से हम मेडिकल में रिफॉर्म्स करने की कोशिश कर रहे हैं। पैसे की जरूरत है, निश्चित तौर पर पैसे की जरूरत है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि मेडिकल हेल्थ में किसी प्रकार के कोई पैसे की कोई कमी ना हो। और ज्यादा हम कट लगा रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश को अगर हमने सुंदर प्रदेश बनाना है तो 10 साल में ये प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध प्रदेश हो सकता है। नीतियां बदल रही है, उन नीतियों में कई जगह विरोध भी होगा, पर लेकिन कार्य जब करना है तो फैसले लेने से घबराना नहीं पड़ता। हम आगे नई टेक्नोलॉजी में जाना ही पड़ेगा। हम एजुकेशन में भी चेंजिंग ला रहे हैं, बच्चा गांव का कैसे पढ़ना है उसके लिए हम राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल लेके आ रहे हैं कि प्री नर्सरी से गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा 5th तक और 5th से लेकर 12th तक कैसे पढ़ेगा, वो हमने कैंपस बनाया कि 100 करनाल में 50 बीघे में एक गवर्नमेंट स्कूल होगा। हर जगह 4-5 क्लस्टर जो स्कूल गांव के हैं उनको बंद करके उन बच्चों को वहां शिफ्ट किया जाएगा। और ऐसे स्कूल होंगे कि उनमें जहां पानी की सुविधा होगी तो आज बच्चे नई ऊंचाइयों को पहुंचने के लिए खेल क्या होगी, कौन सा ग्राउंड होगा, इन सब चीजों को भी चेंज करने की जरूरत है। उस दृष्टिकोण से हम एजुकेशन में जा रहे हैं। हमें पैसा कहाँ से कमाना है, क्योंकि पैसे के बगैर तो कुछ चलेगा नहीं ना। आपको भी अगर सैलरी महीने की मिलती तो आपने बजट रखा होता, इतना पैसा इतना पैसा इतना पैसा। तो उस दृष्टिकोण से हम भी अपने बजट बनाते हैं, सरकार भी बजट से चलती है। चाहूं तो मैं भी सोचूं कि मैं इतने कर दूं, पर जेब में पैसा नहीं होगा तो पैसे को भी कैसे इस्तेमाल करना, उस दृष्टिकोण से भी हम वर्ल्ड लेवल के कंसल्टेंट अपॉइंट कर रहे हैं। ये चेंजिंग है। गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी होता है, अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है। तो प्रशासनिक